अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मुस्लिम ऑन पैशन। तो आज मैं अपना मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक हेल्दी ब्रेकफास्ट रूटीन मैं शेयर कर रही थी। बहुत दिनों के बाद जो है ना, मैंने अपना आज मॉर्निंग रूटीन शुरू कर दिया है, क्योंकि हमेशा जो है ना, मतलब क्या हो रहा था अक्सर कि मैं अपना जो है ना इवनिंग रूटीन आपके साथ शेयर कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ। वैसे जो मेरा मॉर्निंग रूटीन होता है वो बहुत ज़्यादा बिजी होता है, और उस बिजी शेड्यूल से जो है ना मैंने टाइम निकाला है आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और ये जो चीज़ है ये स्पेशली है मॉम्स के लिए और लेडीज़ के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी सुन रही हूँ कि ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि ये कौन सी चीज़ है और किस चीज़ के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो हम लेडीज़ की जो लाइफ होती है ना, वो आसान नहीं होती है। हमें घर का काम करना पड़ता है, और अगर वर्किंग वूमेन है तो ऑफिस का काम करना पड़ता है, और अगर मॉम्स है तो फिर हमारे काम बढ़ जाते हैं। तो हमें घर, ऑफिस और अपने बच्चे सब संभालने होते हैं, और जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो तो हमेशा लगा ही रहता है। हम लोगों को ना कभी मतलब चैन नहीं होता है। हम लोग अगर यहाँ पर कुछ देख लेते हैं तो हम फिर साफ सफाई करने बैठ जाते हैं, तो इस चक्कर में क्या होता है कि हम जो है ना अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, और जो हमारा खाना पीना है वो टाइम पर नहीं होता है। इसी वजह से हमारे बोन्स और ज्वाइंट्स वक्त से पहले कमजोर होने लगते हैं, और बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। और स्पेशली जो है ना प्रेगनेंसी के बाद तो ये होता ही है कि हमारे ज्वाइंट्स और जो हमारी बोन्स है ना वो कमजोर हो जाती है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हम अपनी बॉडी में कैल्शियम सही से नहीं ले रहे हैं। अगर हम कैल्शियम का लेवल को अपनी बॉडी में मेंटेन करते हैं तो हम इस बीमारियों से कोसों दूर रह सकते हैं। इसीलिए मैंने लेना स्टार्ट किया है ओजीवा का प्लांट बेस्ड हर्बोस, जो कि स्पेशली वुमेन्स के लिए बना है, और ये जो है ना आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, आपके ज्वाइंट्स को मजबूत बनाता है, और जो कैल्शियम का लेवल है वो हमारी बॉडी में अच्छे से मेंटेन रखता है। तो मुझे तो जो है ना बहुत अच्छे रिजल्ट इसके दिख रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। क्योंकि लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि मेरे ना नेक में पेन हो रहा था, और नेक में पेन की वजह से ना मेरे हाथ में भी दर्द स्टार्ट हो गया था। और बहुत सी लेडीज को ये प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत ज्यादा जो है ना फिजिकल स्ट्रेंथ वाले काम करते हैं, मतलब रोज उनका झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह ना लगा ही रहता है। झाड़ू पोछा तो रेगुलर चीजें हो गई, वो मतलब रोज सफाई कर लेती हैं, तो उनके जो है ना राइट या फिर लेफ्ट हैंड में ना पेन होना स्टार्ट होता है। तो इसी वजह से होता है, कैल्शियम की कमी की वजह से। अगर आपकी हड्डियों में से कैल्शियम कम होने लगेगा ना तो आपको ये वाली प्रॉब्लम्स होती है। तो मैं आपको बस यही सजेस्ट करूंगी कि आप भी जो है ना ओजीवा का प्लांट बेस्ड हर्बोन्स यूज कर सकते हैं। माशाल्लाह से इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मुझे तो इसका ना बहुत अच्छा इफेक्ट दिखा है। मैं पिछले जो है ना 1 वीक से इसको यूज कर रही हूँ, तो मुझे अच्छा इफेक्ट दिखा, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है। और बातें बहुत हो गई है, मैं आपको जो है ना इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और इससे जुड़ी हुई थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मैं आगे शेयर कर देती हूँ। ओजीवा 100% प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। ये हमारी बॉडी में होने वाले कैल्शियम की कमी को पूरी करता है, कैल्शियम की कमी को रोकता है, और हमारे जो एस्ट्रोजन लेवल है और हार्मोन लेवल है उसको बैलेंस करने में भी मदद करता है। क्योंकि ये एक प्लांट बेस्ड कैल्शियम है, उसके साथ साथ जो है ना इसमें पाया जाता है वेगन विटामिन D3 एंड विटामिन K2 MK7, और इसमें 3 times हायर एब्जॉर्प्शन होता है एज कम्पेयर टू रॉक्स एंड सिंथेटिक कैल्शियम। और साथ ही इसमें पाया जाता है विटामिन सी, मैग्नीशियम एंड बोरॉन, जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। और हर्बल्स की बात करें तो इसमें पाया जाता है लोथबर्ग, अशोका एंड ब्लैक कोश, जो हमारे एस्ट्रोजन और हार्मोनल लेवल को बैलेंस करने में मदद करता है। तो ये देखिए, इस तरह की पिल्स आती हैं, हमें सिंपली आफ्टर लंच या फिर आफ्टर डिनर 1 या 2 कैप्सूल हमें इसको लेना है, और आफ्टर 25 days इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इसका जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। तो ये देखिए, अभी सुबह के बज रहे हैं 8, और माशाल्लाह से जो है ना सुबह का मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ना धूप नहीं निकलती है, और आजकल तो जो है ना धूप जल्दी से निकलती ही नहीं है। बस सुबह सुबह का ये बहुत ही शांत वाला मौसम है। तो मैं बाहर खड़े होकर जस्ट देख रही थी अपना ब्रेकफास्ट बनाने से पहले, मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा शूट भी कर लेती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ बाहर का जो मौसम हो रहा है। और हमारे यहाँ पर जो है ना अभी बारिश नहीं हुई है, 2 दिन से थोड़ा सा बारिश हमारे यहाँ पर रुक गई है। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम अपने ब्रेकफास्ट से। संडे हो या मंडे, रोज़ खाओ अंडे। तो हम लोग तो जो है ना रोज़ अंडे खाते हैं, तो फिलहाल तो जो है ना मैं एग बॉईल कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने 4 egg ले लिए हैं, क्योंकि 4 ही रखे हुए थे मेरे पास में, तो मैंने सोचा कि चलो 4 ही बना लेते हैं, फिर बाद में जो है ना मैं हिमांत को एग वगैरह बाद में बनाकर दे दूँगी। फिलहाल जो है ना मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए बॉईल कर रही हूँ। तो मैंने जो है ना इसको बहुत ही लो फ्लेम पर रखा है। एग बॉईल करने की ना यही टेक्निक है, आप इसको ना लो फ्लेम पर रख दीजिए। तो अगर आपके अंडे में थोड़ी बहुत सुराखें हो जाती है ना अंडे में रखे रखे, थोड़ा बहुत फूट जाते हैं, तो वो जो है ना फिर रिलीज़ करने लगते हैं एग को। तो आप जो है ना इसको लो फ्लेम पर रखेंगे ना तो आपके अंडे बिल्कुल फूटेंगे नहीं, और अच्छे से ना बॉईल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ ज़ीरा पाउडर का मसाला। इसमें जो है ना मुझे ऐड करना था ब्लैक पेपर, लेकिन ब्लैक पेपर ना मेरे पास ख़त्म हो गई है, तो इसलिए मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड नहीं किया है। जस्ट मैंने ज़ीरा पाउडर को ग्राइंड कर लिया है, बाद में मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दूँगी। और ये ज़ीरा पाउडर मैं बनाती हूँ अपने अंडे के लिए, ये मेरा
ठंडा मसाला होता है और इसमें थोड़ी सी जो है ना लौंग भी डालनी होती है, लेकिन मैंने काली मिर्च नहीं डाली है इसलिए मैंने इसमें लौंग भी नहीं डाला है, तो मैं इसको जो है ना बाद में ऐड कर दूँगी। तो ये मसाला मैंने बनाकर रख लिया है। तो ये देखिए हमारे एग बॉईल हो गए थे, मैंने चाय बना ली है और अब हम कर रहे हैं अपना नाश्ता। तो आप आइएगा हमारे साथ नाश्ता करने के लिए। जस्ट मैंने एक एग ले लिया है और हम लोगों का ना सुबह का अक्सर नाश्ता होता है हम लोग एग बॉईल कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को ना प्लेन चाय पीना अच्छा नहीं लगता है। मैं बहुत कम खाती हूँ, ऐसे दिखा रही हूँ आपको मैं खाती हूँ, लेकिन एक आध अंडा मैं कभी कभार खा लेती हूँ अगर मैंने ये वाला मसाला डाला हुआ हो तो, क्योंकि कभी कभार मेरे हस्बैंड चाट मसाला भी डालते हैं तो मुझे चाट मसाला कुछ खास पसंद नहीं है, तो मैं इस पर अपना ज़ीरा मसाला डालती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 8:30 हो रहे हैं और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में, क्योंकि थोड़े से कपड़े रखे हुए थे। वैसे कल ही मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं, लेकिन रोज़ तो जो है ना कपड़े कुछ ना कुछ निकलते ही हैं, तो मैंने यहाँ पर जो है ना अपने कपड़े लगा दिए हैं। सबसे बड़ा काम होता है कपड़े लगाओ और कपड़े निकाल लो जो आपने कल सुखाए थे। ये काम हो जाता है ना तो आपको लगता है कि आपका आधा काम हो गया है, क्योंकि कपड़ों का काम ही मुझे कुछ ज़्यादा लगता है। अगर कपड़े धुल जाते हैं और जो कपड़े सूखे हुए होते हैं वो फोल्ड हो जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हमारा आधा काम फिनिश हो गया। तो मैं जो है ना अभी सुबह सुबह ही कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना थोड़ा सा सोए हुए होते हैं ना, तो ये काम थोड़ा सा मेरा आसानी से हो जाता है। और अभी बच्चे उठे नहीं हैं तो उनके उठने से पहले ही जो है ना मैं ये काम कर लेती हूँ। तो ये देखिए हिमाद अभी उठकर आ गए हैं और ये कर रहे हैं ब्रश। ये नहाने से पहले ना ब्रश कर लेते हैं, अपना थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, उसके बाद जाते हैं नहाने के लिए। थोड़ा सा ना बच्चे उठते ही थोड़े से लेज़ी हो जाते हैं, बच्चे क्या हम लोग भी लेज़ी हो जाते हैं। और मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि ये देखिए छोटा भाई हिमाद का कहाँ पर खड़ा है। तो जब हिमाद जो है ना अपने काम करते हैं ना तो ज़ुहैब इसी तरह से उनके पीछे लग जाते हैं। तो अभी जो है ना हमारे ज़ुहैब की हिमाद के साथ मस्ती चल रही है, वो बोल रहे हैं मुझे भी ब्रश दे दो मैं भी कर लूँगा। तो अभी यहाँ पर जो है ना हिमाद ब्रश करेंगे, उसके बाद ही अपना नाश्ता करेंगे। तो हम लोगों का नाश्ता वगैरह हो गया है और यहाँ पर जो है ना अभी मैं आ गई हूँ अपने किचन की क्लीनिंग करने के लिए। आफ्टर जो नाश्ता होता है ना हमारा काम थोड़ा सा हो जाता है। तो आप लोगों को ना थोड़े से बर्तन ज़्यादा लग रहे होंगे, क्योंकि ये थोड़े से रात के बर्तन रह गए थे। कल रात को जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी तो मैंने जो है ना थोड़े बर्तन रख दिए थे। थोड़े बर्तन यानी कि खाने के बाद वाले जो प्लेट्स वगैरह थे ना वो रह गए थे, और उसके बाद जो है नाश्ते के बाद तो ये चीज़ें निकली ही हैं। और ये जो कुकर वगैरह रखे हुए हैं ना, इसमें मैंने बनाया था, एक में मैंने चावल बना लिया था और एक में मैंने बनाया था शोरबा, तो उसकी ऐसे जो ना दो कुकर रह गए हैं, क्योंकि मैं रात को खाली नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह में ना इनको गर्म करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं इनको सुबह में सालन वगैरह को गर्म करके जो बचा हुआ होता है वो छोटे से कंटेनर वगैरह में निकाल लेती हूँ, लेकिन मैं रात को इनको खाली नहीं करती हूँ, तो इसलिए जो है ना ये दो कुकर आपको एक्स्ट्रा दिख रहे हैं। तो चलिए फटाफट जो है ना हम बर्तन वॉश कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे सारे बर्तन वॉश हो गए हैं, हमारे कुकर वगैरह सारे धुल गए हैं। माशाल्लाह से जो है ना जब क्लीनिंग होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो ख़ास करके ना किचन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब किचन साफ होता है। तो ये देखिए बर्तन वगैरह सारे धुल गए हैं, अच्छे से मैंने यहाँ पे सब वॉश करके ले लिया है गैस वगैरह को। और अभी यहाँ पर चल रही है हिमाद की पढ़ाई, और पढ़ाई ऐसी हो रही है कि हिमाद जो है ना स्नैक्स भी खा रहे हैं, तो इसलिए मैंने शूट किया, मैं आपको दिखा रही हूँ कि बच्चे ना खाते खाते पढ़ाई करते हैं। हिमाद ने ना थोड़ा सा स्नैक्स ले लिया था, लेकिन जब बच्चे इस तरह से करते हैं ना तो ये पढ़ते कम हैं और इनका ध्यान सब जो है ना खाने में होता है। तो नाश्ता हम लोगों का हो गया है और घर की क्लीनिंग भी हो गई है। माशाल्लाह से मैंने सारा ना घर का अपना क्लीनिंग वगैरह कर लिया है, और सुबह सुबह का ना यही होता है कि जो है ना नाश्ता बना लो, घर की क्लीनिंग कर लो, सुबह का टाइम ही बहुत ज़्यादा बिजी चलता है। और अभी जो है ना हिमाद की पढ़ाई चल रही है, ज़ुहैब सो गए हैं, क्योंकि ज़ुहैब का टाइम होता है सो जाने का, सुबह में ना वो जल्दी उठते हैं, जैसे उनके अब्बू की आवाज़ सुन लेते ना फिर उठ जाते हैं, तो अभी वो सो गए हैं। तो मैं जा रही थी अपना नाश्ता बनाने के लिए, तो मैं अभी बना रही हूँ वर्मिसली का उपमा। तो आप लोग पूछोगे वर्मिसली क्या, क्योंकि हम लोग तो जो ना सिवई बोलते हैं, जो नमकीन वाली सिवई होती है ना उसको वर्मिसली बोलते हैं, मतलब जो टुकड़े टुकड़े होते हैं ना थोड़ी मोटी होती है, वर्मिसली जो होती है ना थोड़ी सी मोटी होती है, और जो हमारी सिवई होती है वो बारीक होती है। तो चलिए फटाफट हम अपना ब्रेकफास्ट बना लेते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो गया है, मैं अपने कामों में लग रही थी ना, और आज की रेसिपी माशाल्लाह ना बहुत ही टेस्टी है, तो आप लोग ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं ना। यहाँ पर सारे वेजिटेबल्स चॉप करके रख लिए हैं,
और मैं यहाँ पर ना हरी मिर्च यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसको जोहेब को भी खिलाना है। देखते हैं ट्राई करके खाते हैं या नहीं खाते हैं। अगर लाल मिर्च डालूंगी तो फिर वो खाएंगे ही नहीं, तो हरी मिर्च मैं ना थोड़ी सी डाल रही हूँ, बस दो हरी मिर्च मैं डाल रही हूँ। कुछ भी फटाफट बना लेते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं बना क्या रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ वर्मीसली उपमा। पहले ही मैंने आपको बताया, ये देखिए ये है वर्मीसली और ये जो है ना इस तरह से पैकेट में आती है और ये जो है ना इम्यूनिटी बूस्टिंग है तो ये हेल्दी हो गई। तो यहाँ पर जो है ना मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है। आप चाहे तो घी भी ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग जो है ना इसको ड्राई ही रोस्ट करते हैं विदाउट ऑयल और घी, लेकिन विदाउट ऑयल और घी ऐड करने से जो है ना, मतलब ड्राई रोस्ट करने से आपकी जो वर्मिसली होती है ना थोड़ी सी चिपचिपी बनती है। अगर आपको चिपचिपी नहीं बनाना है, अच्छे से खिली खिली बनाना है, तो आप थोड़ा सा इसमें ऑयल या फिर घी ऐड कर दीजिए तो आपकी जो वर्मिसली होगी ना, इसका जो उपमा होगा बहुत ही खिला खिला बनेगा। एक एक जो सिवई होगी ना वो एक दूसरे से चिपकेगी नहीं और माशाल्लाह से टेस्टी भी बनेगी, एक अलग से जो है ना इसमें महक आएगी। तो इसको जो है ना मैंने हल्का सा भून लिया है, बस 3 से 4 मिनट लगते हैं लो मीडियम फ्लेम पर। और अगर आप इसको ज़्यादा भूनते हैं तो ये बिल्कुल ही ब्लैक हो जाएगी और जल जाएगी, तो ज़्यादा मत भूनिएगा। ओवर कुक नहीं करना है, जस्ट थोड़ा सा इसको भूनना है, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो इसको निकाल लीजिए। और साथ ही जो है ना मैंने फिर से इसमें ऑयल डाल दिया है थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि इसी में मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पर जो है ना थोड़े से पीनट्स मैं फ्राई कर रही हूँ, इसको थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है, उसके बाद निकाल लेना है। और इस तरह के जो हम पीनट्स यूज़ करते हैं ना फ्राई करके, ये बहुत अच्छे लगते हैं जब आप खाते हैं, तो एक एक बाइट जो है ना इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से जो है ना पहले ऑयल में फ्राई कर लें, उसके बाद ही ऐड कर दें। तो सबसे पहले मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी चना दाल, थोड़ी सी उड़द दाल और थोड़ा सा कड़ी पत्ता। इन सबको हम चटकने देंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने प्याज वगैरह काट कर रखा है। और सब्जी में मैंने यूज़ किया है इसमें थोड़ा सा गाजर और थोड़ी सी मटर, आपके पास जो भी सब्ज़ी है आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है प्याज। प्याज को हल्का सा हम भून लेंगे, हल्का सा हम इसको तल लेंगे ताकि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो ये देखिए ट्रांसपेरेंट कलर की ये हो गई है। तो मैंने इसमें 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और मैंने यहाँ पर 2 ग्रीन चिली ली थी, वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। ग्रीन चिली आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कम डाली है क्योंकि मुझे ज़्यादा तीखा नहीं करना है। उसके बाद जो वेजिटेबल्स हम लोगों ने चॉप करके रखा है वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे ताकि हमारे जो मटर वगैरह है ना वो थोड़े से फ्राई हो जाएं। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, और टमाटरों को भी ना मैंने बारीक काट लिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। ज़्यादा मसाले ऐड नहीं कर रहे हैं। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। नमक हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है। मैंने इसमें स्किप ही करना सोचा था, लेकिन मुझे थोड़ा सा ना लगता है कि मैं मिर्ची डालूं, तो मैंने इसमें डाला है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर भी डाला है 1/2 टीस्पून के करीब। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो है ना ये टमाटर और सब्जियों को हम पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा हम गैस को लो मीडियम कर देंगे और इसको हम ढक देंगे। बाद में जो है ना मैंने इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी ऐड किया था क्योंकि ये नीचे से लग रहा था। तो ये देखिए हमारे टमाटर अच्छे से पक गए हैं। हल्का सा हम इसको मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। जितना हमने वर्मीसली लिया है उसका हम डबल इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया था 1 कप वर्मीसली, तो मैंने यहाँ पर 2 कप्स पानी ऐड कर दिया है। बस पानी को हम हल्का सा गर्म होने देंगे, ज़्यादा हमें बॉयल होने नहीं देना है। ये देखिए थोड़ा सा हमारा पानी गर्म हो गया है, तो अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे जो हमने वर्मीसली डाला है। तो सिंपली वर्मीसली डालने के बाद हम इसको जो है 6 से 7 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। आपको बिल्कुल चम्मच वगैरह नहीं हिलाना है। उससे पहले मैंने यहाँ पर थोड़ा सा धनिया और ये पीनट्स जो थे वो मैंने ऐड कर दिया है। पीनट्स को ऊपर से ऐड करेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए हमारी वर्मीसली उपमा रेडी हो गया है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। अच्छा खासा ये ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने के बाद सर्व करेंगे ना, टेस्ट अच्छा आएगा। एकदम गरम गरम में सर्व मत कीजिएगा, हल्का सा ठंडा होने दीजिए, उसके बाद सर्व कीजिए। लिखो जुबो, लिखो लिखो बेटा, मेरा बच्चा लिखता। अरे वो लिखेगा, आप छोड़ो। हाँ लिखो बेटा। ओ माशाल्लाह मेरे बच्चे ने लाइन डाला, लाइन ड्रॉ किया माशाल्लाह मेरे बच्चे ने। कैसे लिख रहे हो सुबह बताओ? ओह माय गॉड माशाल्लाह। ये मुँह में से निकालो, मुँह में से निकालो, शब्द मुँह में से निकालो। चलो 1 2 3 4 लिख।
तो चलिए मैं जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। आप लोगों को आज का ये वर्मिसली उपमा कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बनता है, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और पीनट्स बाद में ही डालिएगा तो इसका जो क्रिस्पीनेस है ना वो बरकरार रहेगा और खाने में अच्छा लगेगा। तो चलिए ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।